गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर और आज हम इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले करने वाले हैं कि जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनको आज हम स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके पहले आज हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन जो है उसके रिगार्डिंग जो टर्म्स है उसको आज पहले अंडरस्टैंड करेंगे सो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले तो ये एक लाइफ प्रोसेस में ही लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है जो ये चैप्टर का और ये जो सबसे पहला आता है पार्ट उसमें है डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन ओके सो द टू इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक प्रोसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प टू मेनटेन स्टडी स्टेट आर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन ओके तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टडी uh, स्टेट सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं जो इनको आज हम अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले होमियोस्टेसिस मतलब क्या वो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है तो और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है स्टेडी स्टेट ठीक है तो स्टेडी स्टेट यानी बॉडी इज इन नॉर्मल स्टेट यानी कि उसमें कोई भी चीज़ें अप्स एंड डाउन नहीं है या फिर उसमें सब चीज़ें जो है वो प्रॉपरली ली जा रही है डाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है उसमें से सर्कुलेशन प्रॉपर्ली हो रहा है और फिर जाके एक्सक्रीशन प्रॉपर्ली हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपरली हो रहा है सब चीज़ों का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज गोइंग ऑन गुड तो ये सारी चीज़ों को जब हम प्रॉपरली सब चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से अपने uh, सब इसके हिसाब से हो रही है तो उसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट तो ये जो स्टडी स्टेट को मेनटेन करना है उसका मतलब होता है होम्योस्टेसिस ठीक है सो किडनी फ्राम फॉर्म्स यूरिन

बॉडी में रखना और एलिमिनेट करना टाइम टू टाइम इसीलिए ये सब चीजों को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करना मतलब बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना इन सिंपल वर्ड्स ओके सो दैट इज डन थ्रू किडनी सो हैंस दिस इज होम्योस्टेसिसट इस टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन ओके सो वॉट इज मीनिंग ऑफ एक्सक्रेशन हियर सो एक्सक्रेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बायोविश एंड ऑर्गेनिज्म गेट्स रेड ऑफ़ टॉक्जिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ओके सो क्या बताया गया है इट ऑर्गेनिज्म गेट्स रेड ऑफ टॉक्जिक वेस्ट प्रोडक्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ऑफ मेटाबॉलिज्म ठीक है तो मेटाबॉलिज्म के टाइम में जब भी, भी हम एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं तो उस टाइम में कुछ ना कुछ टॉक्सिक वेस्ट जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जनरली दीज वेस्ट्स आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस वेस्ट और इन सारे वेस्ट्स को प्रॉपरली रिमूव करना बहुत जरूरी है अदरवाइज दे बिकम टॉक्सिक टू आर टिश्यूज एंड सेल्स तो इसीलिए इनका रिमूवल जो है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन सो इफ अलाउड टू अक्यूमुलेट दीज प्रोडक्ट्स इन टू एनी ऑर्गेनिज्म दे वुड जनरली बी हार्मफुल एंड प्रिवेंट मेंटेनेंस ऑफ द स्टेडी स्टेट ओके सो इनकी वजह से क्या हो सकता है स्टेडी स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है सो so हेंस इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है सो द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन इज गिवन अबाउट क्लियरली स्टेट्स दैट द वेस्ट प्रोडक्ट हैव बीन मेड बाय बॉडी इट सेल्फ एंड दे आर

इजेशन के थ्रू जो बाहर फेंकना फेंका जाता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल दैट इज द एक्सटर्नल फूड सोर्स जो हमने लिया हुआ होता है उसको हम इजेक्ट करते हैं राइट सो हेंस इट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हमने इसको बनाया नहीं है सो so, जो जब हम कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म करते हैं तब जाके जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ओके सो इट इज अ लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ मटेरियल विच इज टेकन थ्रू द गैट इन टू द माउथ ओके सो हैंस इट इज़ नॉट काउंटेड एज एन एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट और ये मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम में भी बताया था कि इजेशन इज नॉट इक्ल टू एक्सक्रीशन ओके तो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स आर स्पेसिफिकली द वंस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग से एक्सक्रीशन या फिर सॉरी मेटाबॉलिज्म दैट इज ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म ठीक है सो हेज दीज आर कॉल्ड एज एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड नॉट अन डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ठीक है तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हम एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में नहीं लेते हैं Then let us talk about the next process that is osmoregulation. Okay. So what is meaning of osmoregulation? So osmoregulation is the process is the process that maintains the amount of water and proper ionic balance in the body. ठीक है तो जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल वाटर अमाउंट है वो मेंटेन करना प्लस जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि जो अपने एन ए प्लस की प्लस आयस जो हमारे बॉडी को लगते हैं उनको मेंटेन करना इज डन थ्रू ऑस्मोसिस ठीक है सो इट इज इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट कंडीशन इन द बॉडी बाय रेगुलेटिंग द वॉटर कंटेंट एंड सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सॉरी सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड्स ओके तो क्या किया जाता है इसमें इट रेगुलेट्स द वॉटर कंटेंट एंड द सोल्यूड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड ओके तो इसमें जनरली पर्टिकुलरली जो है जैसे मैंने पहले भी बोला सोडियम आयन हो गया एन ए प्लस या फिर के प्लस हो गया या फिर क्लोराइड आयन्स हो गए इनको सबको मेंटेन करने का काम जो है इट इज़ डन थ्रू ऑसमो रेगुलेशन या फिर जाके बॉडी फ्लूइड्स और सेल कंटेंट जो है जैसे ब्लड प्लाज्मा हो गया या फिर टिश्यू फ्लूइड्स हो गए लिम्फ हो गया, गया इनमें सब में एक प्रॉपर वाटर कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस प्रीवियसली ऑल्सो तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि आ, प्लाज्मा कंटेंट नाइन्टी परसेंट ऑफ वाटर और अगर ये वाटर ही बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है तो उसको प्रॉपरली उतना नाइन्टी परसेंट मेंटेन करना भी ज़रूरी है और फिर ये करने के लिए हमें जरूरी है कि उसमें ऑस्मो रेगुलेशन होता रहे ताकि जितना पानी बाहर जा रहा है जितना पानी एलिमिनेट होने वाला है वो कितना क्वान्टिटी जा रहा है और बॉडी के लिए जितना इसेंशियल है वो बच रहा है कि नहीं रहा है या फिर वो पूरा का पूरा ही जा रहा है ये सब मेंटेन करने का काम ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू होता है ठीक है इसीलिए ऑस्मो रेगुलेशन इज़ वेरी या फिर ये दूसरा प्रोसेस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स सो प्लांट्स जो है जनरली इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता यानी कि इसमें यूरिया यूरिक एसिड या फिर अमोनिया जैसे वेस्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते बट इनमें जनरली एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स जो है या फिर एक्स्ट्रा जो अपने न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो फॉर्म नहीं होते ठीक है थेके? तो इस वजह से इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत कम प्रोड्यूस होता है सो दे प्रोड्यूस अदर टाइप्स ऑफ वेट्स विच आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ओके तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है प्लांट के दीज आर जनरली एल्कोलॉइड्स या फिर टैनिन्स या फिर एरोमेटिक ऑयल्स जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल नीलगरी का जो तेल होता है या फिर टैनिन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन इन टू द वुड विच इज़ ओल्डर तो उसमें आपने देखा होगा कि उसका एक कलर जो है वो डार्क कलर होता है ठीक है दैट डार्क कलर इज़ बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ दिज टैनिन्स या फिर उसमें कुछ एल्कोलॉइड्स होते हैं या फिर इवन रेजिनस हो गए ओके तो गम्स हो गए ये सारी चीज़ें जो है वो आ, प्लांट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है ठीक है और फिर जाके एक्सक्री एक्सेस ऑफ वाटर इज़ आल्सो वेस्ट ठीक है तो उसको भी हम लोग किसके थ्रू एक्सक्रीट करते हैं थ्रू ट्रांसपीरेशन हम इसको एक्सक्रीट करते हैं ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है ठीक है और फिर जाके एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में फॉर्म होता था उसको भी हम एलिमिनेट करते थ्रू स्टोमेटा ठीक है और फिर जाके जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे आ, जो भी अपना आ, ऑटो को दे के हमने CO2 लिया हुआ था राइट सो दैट वॉज डिफ्यूजन के थ्रू इसने इसको हमने एक्सचेंज किया हुआ था और बाकी के जो वेस्ट है वो कुछ नीचे दिए हुए हैं लिस्ट में उनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे तो लेट इस टॉक अबाउट नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ प्लांट ठीक है तो जिसमें आता है जनरली बाई प्रोडक्ट्स ऑफ जनरल मेटाबॉलिज्म जिसमें प्लांट जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेकिंग ऑफ न्यू अवैनो एसिड चेंज या फिर जो भी चीज़ है तो उसमें जनरली सबसे पहले तो एल्कोलॉइड्स बनती है तो एल्कोलॉय्स में कौन आता है क्विनइनस या फिर जाके मॉर्फीन एट्रोपिन ये चीज़ें उसमें आती है ठीक है दूसरा जो है उसमें आता है ऑर्गेनिक वेस्ट्स, ओके तो ऑर्गेनिक वेस्ट अगर हम प्लांट का देखते हैं तो दे आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स यानी कि मेटाबॉलिज्म करते वक्त ये बीच में बने हुए कुछ सब्सटेंसेस जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है सो सम ऑफ देम आर विदाउट एनी यूज सो हैंस दे आर एलिमिनेटेड रादर नॉट एलिमिनेटेड बट देन राधर ऑन अक्यूमुलेन दे कैन प्रूव टॉक्सिक ओके जैसे ऑगजैलिक एसिड हो गया इसका प्रिपरेशन जनरली ऑक्जैलो एसिड एसिड ऑगजैलिक एसिड्स जो है ये बॉडी में अक्यूमुलेट uh, हो गए प्लांट के तो वो हार्मफुल हो सकते हैं ठीक है तो इसलिए इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है सो हेंस इट इज एलिमिनेटेड इन टू और एक्सक्रीटेड थ्रू प्लांट्स ओके फिर तीसरा जो है वो है टेनिन्स ओके okay, तो टेनिस जनरली दीज आर कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये सारे ओके विच आर फॉर्मड सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और टेनिस जो है जनरली इनको प्लांट जो है वो ओल्डर जाइलम के जो सारे वेसल्स एंड ट्रकिड्स हैं उनमें स्टोर करता है ठीक है या फिर उसके जो ओल्डर uh, पार्ट्स है जो डेड हो गए उन सारे पार्ट्स में ये जनरली टेनन्स को स्टोर करता है तो इसी वजह से जो पुराना वुड होता है जो सबसे पुराना वुड होता है उसका कलर जो है वो डार्क एंड डार्क होते जाता है ठीक है टेनिंस बींग कॉम्प्लेक्स अरोमेटिक कंपाउंड्स दीज आर जनरली हैविंग अ पंजन टिपिकल स्मेल इट इज़ नॉट पंजन बट इट इज़ क्वाइट रिपेलेंट फॉर इंसेक्ट्स ओके तो इसीलिए जो वुड जो पुराना हो जाता है ठीक है इस वुड के ऊपर uh, जनरली uh, हम बोल सकते हैं कि इसमें कीड़ा नहीं लगता है राइट तो so, उसका रीज़न क्या है बिकॉज ऑफ अक्यूमलेशन ऑफ दीज टैनिन्स इन टू इट ठीक है तो टेनिंस का वजह से या फिर टेनिस आर द रीज़न बिकॉज ऑफ विच देर आर नो जनरलीट जनरली टर्माइट अटैक ऑन ओल्डर वुड तो इसलिए हम लोग जनरली uh, पुराना जो वुड है उसको ही फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं दैन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लेटिक्स तो लेटिक्स इज जनरली एन इमर्शन ऑफ वैरिड कंपोजिशन विच इज़ एक्सक्रीटेड बाय स्पेशल ट्यूबुलर सेल्स कॉल्ड एज लैक्टिफर्स ओके तो आपने ये जनरली देखा होगा कुछ प्लांट कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको अगर हम आ, उसमें लीफ वगैरह तोड़ते हैं राइट तो उसके कुछ स्पेशल जगहों में से उसमें से वाइट कलर का एक सब्सटेंस यूज आउट होता है ठीक है सो दैट इज कॉल्ड एज लेटिक्स तो लेटिक्स जो है जनरली इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ रबर्स ओके तो ये जो है आ, उसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स या फिर ट्यूबुलर सेल्स जो है उनमें जनरली ये स्टोर किया जाता है विच इज ऑल्सो प्लांट वेस्ट एंड इट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर प्लांट सो लेटर ऑन वी कैन यूज इट फॉर मेकिंग रबर आउट ऑफ इट ओके सो हेंस दिस इज लेटिक्स ऑल्सो देर आर अदर सब्सटेंसिस लाइक रेजेंस रेजेंस जो है जनरली दे आर ये जो रेजेंस है ये इसकी जो हम बात कर रहे हैं दीज आर नॉट जो किशमिश वाले रेजेंस ठीक है तो दीज आर जनरली ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ एरोमेटिक ऑयल्स ठीक है तो प्लांट में जो ये स्टोर होते हैं रेजेंस सो दीज आर एरोमेटिक ऑयल कंपाउंड्स इनके कुछ इमेजेस भी मैं एंड में डाल दूँगी इसके वीडियो के ओके सो यू कैन गो थ्रू देम ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम बेटर देन नेक्स्ट इज़ गम्स तो गम भी आपने देखा होगा जनरली uh, ये जो डिग्रेडेशन प्रोड्यूस डिग्रेडेशन प्रोड्यूसर्स ऑफ सेलवॉल प्रोडक्ट ऑफ सेलवॉल होता है जनरली और प्लांट uh, में आपने देखा होगा मोस्टली कुछ जो पुराने पार्ट्स होते हैं उनके क्रैक्स uh, में से और uh, थो, थोड़े थोड़े उनमें अगर इंजरीज हो जाती है तो उसमें से गम जो है वो ऊज़ आउट होता है ठीक है तो दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट

एक तो स्टोर किया जाता है या फिर एलिमिनेट किया जाता है तो एलिमिनेट करने के लिए प्लांट के पास तो एक्सक्रेटरी सिस्टम एज सच है नहीं तो प्लांट क्या करता है इट जनरली डिपेंड्स ऑन इट्स सिस्टम्स विच आर वेरी से इजीली अवेलेबल फॉर एलिमिनेशन जैसे फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि विल्टिंग ऑफ द लीव्स जो कंसेप्ट होता है राइट right? तो जिसमें प्लांट जो है अपने लीव्स को शेड कर देता है तो इसके थ्रू वो एक्सक्रीशन कर सकता है या फिर जो पुराने टिश्यूज़ है प्लांट में परमानेंट टिश्यूज़ का एक कंसेप्ट है तो परमानेंट टिश्यूज़ में जनरली आफ्टर सर्टन एज पीरियड उनके परमानेंसी टर्न्स इनटू डेड टिश्यूज़ तो डेड टिश्यू होने के बाद उसका कुछ यूज़ नहीं है प्लांट को एक्सेप्ट फॉर बीइंग अ मैकेनिकल सपोर्ट तो उनके अंदर के जो वैक्यूल्स है या फिर उनके अंदर के जो ह्यूमन कैविटीज़ है उनको यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरेज ओके okay? क्योंकि दे आर दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट एज टॉक्सिक एज से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स सो हैंस जो बहुत टॉक्सिक है उनको तो एलिमिनेट किया जाता है बट देन जो बहुत टॉक्सिक नहीं है जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए या फिर इसेंशियल ऑयल्स हो गए या फिर जाके गम्स हो गए रेजिनस हो गए इन सब को प्लांट जो है उनको स्टोर कर सकता है ओके सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर बीन स्टोर्ड so let's read about mechanism so plants do not have any mechanism to collect or transport and throw out their waste product so they have adopted varied strategies to protect their living cells from waste product so first is old leaves so waste producers uh, waste products stay so waste products are generally स्टोर्ड इन ओल्डर लीव्स विच आर सून अबाउट टू फॉल ऑफ तो जनरली फॉल के सीजन में या फिर जो लीव्स जनरली विल्ट आउट हो जाती है उनके अंदर प्लांट जो है वो सब uh, सारा वेस्ट स्टोर करना शुरू कर देता है और फिर जाकर जैसे ये लीव चला जाता है उसके साथ ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर चले जाते हैं सेकेंड इज़ ओल्डर जैलम तो ओल्ड जैलम में जनरली रेजेंस uh, जो है गम्स या फिर टैनिन्स हो गए ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है इनको डिपॉजिट किया जाता है और जैसे मैंने पहले भी बताया था जो नॉन फंक्शनल सहल में जो जनरली काम नहीं करता है तो इस हार्ड में जनरली वेस्ट जो है उसको डाला जाता है स्टोर किया जाता है सो इट इज़ ऑल्सो यूजफुल क्योंकि वो बाद में जाके इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर एंड इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू टर्माइट एंड अदर अटैक्स तो ये जो वुड है जनरली इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए जनरली बड़े और पुराने पेड़ जो होते हैं दीज आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर्स नेक्स्ट इज एन टू बार्क सो बार्क में डेड टिश्यूज होते हैं जनरली और डेड सेल्स होती है विच इज़ पील्ड ऑफ पीरियोडिकली आराम से वो निकल जाता है और उसके साथ भी वेस्ट चला जा सकता है सो टेनिज एंड अदर वेस्ट आर जनरली डिपॉजिटेड इन टू बार्क सो इंसिडेंटली टेनिज आर रॉ मटेरियल फॉर डाइज एंड इंक्स जैसे मैंने पहले भी बताया था तो इसके थ्रू हम जनरली डाइज एंड इंक्स बनाते हैं या फिर द वॉर्निश एंड पॉलिश जो बनता है फर्नीचर के लिए वो भी टेनिन्स से बनाया जाता है ठीक है देन नेक्स्ट इज सेंट्रल वैक्यूल तो मोस्टली पैरनकाइमा सभी जगह पे प्रेजेंट है फॉर सपोर्ट एंड फॉर स्टोरेज तो मोस्ट ऑफ द प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन टू सेंट्रल वैक्यूल इसीलिए उसका सेंट्रल वैक्यूल काफ़ी बड़ा भी होता है ये भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है है ना सो so, uh, ये उसका रीजन है कि उसमें स्टोरेज किया जा सकता है सो दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ साइडोप्लाजम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट ठीक है तो सॉरी अनेबल टू इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टोनोप्लास्ट तो टोनोप्लास्ट एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वैक्यूल का जो बाहर का उसका मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं तो उसकी वजह से वेस्ट जो है वो कभी भी साइटोप्लाज्म में मिक्स नहीं होता सो so सोहैंड उसकी वजह से उसका हार्म नहीं होता है साइटोप्लाज्म को ठीक है देन नेक्स्ट इज डिटॉक्सीफिकेशन सो द टॉक्सिक ऑक् ऑक्जेलिक एसिड इज डिटॉक्सीफाइड बाई फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जालाइट ये जनरली क्रिस्टल फॉर्म में होता है जो कैल्शियम ऑक्जेलाइट की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो इसके क्रिस्टल्स जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट के दीज गेट क्रिस्टलाइज्ड एड इन टू नीडल शेप रैफिड्स और ये जो रैफिड्स है आ, या फिर प्रिजम्स के शेप में विच इज़ कॉल्ड एज प्रिजमेटिक क्रिस्टल्स या फिर स्टार शेप के जिसको हम स्फेराफिड्स बोलते हैं और आ, ये जो सारे क्रिस्टल्स हैंड्स हैं ये सारे जो है दीज आर जनरली स्टोर्ड इन टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द तो एक्सेस ऑफ कैल्शियम इज़ ऑल्सो प्रेसिपिटेटेड एज कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स इन टू बॉडी ओके सो ये जो रैफिड्स हो गए या फिर uh, जो सारे अपने ये वेस्ट है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा क्रिस्टल्स जो है ये सारे इसेंशियल है या फिर ये सारे प्रेजेंट होते हैं जनरली आपने देखा होगा कि जो uh, जैसे याम होता है याम या फिर जो uh, जिसको हम क्या बोलते हैं hmm. सो so, जैसे कि हम जैसे कि जिसको हम बोलते हैं रतालू जैसे जो सब्ज़ी होता है राइट तो ये जो सब्जियां हैं उनमें जनरली लीव्स में कभी कभार या फिर कभी कभार स्टेम्स में या फिर कभी कभार ये जो आ, स्टोरेज वाले पार्ट्स हैं उनमें सब में ये हमें क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं सो so, मोस्टली आपने देखा होगा इनको हम सॉल्ट वाटर में वगैरह वॉश करके ही खाते ताकि आ, कुछ सब्जियाँ खाने के बाद हमें गले में ऐसे चुबन सी फील होती है राइट दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रैफिड्स और दीज क्रिस्टल्स विच आर बीन स्टोर्ड उसके बाद में आता है सॉल्ट क्लैंड्स तो एक्सेसिव सॉल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए उसमें सॉल्ट क्लैंड होते हैं ठीक है सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द प्लांट एक्सक्रीशन प्लांट एक्सक्रीशन में बस इतना ही पार्ट है और कुछ इसमें आता नहीं है बिकॉज प्लांट्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम सो डोंट वी डोंट हैव टू स्टडी अबाउट इन डिटेल द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी ओनली हैव टू स्टडी अबाउट द स्टोरेज और एलिमिनेशन थ्रू डिफरेंट वेज इन टू प्लान्स ओके सो दिस इज अबाउट प्लांट एक्सक्रीशन नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हम आज स्टडी करने वाले हैं अबाउट द बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन विच यू हैव ऑल्सो स्टडीड ड्यूरिंग योर नाइन्थ क्लास जब हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ये स्टडी किया हुआ था अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ़ एनिमल्स विच डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्रेशन तो उसमें हमने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी अबाउट अमोनोटेलिक यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक तो उसको ही आज हम वापस से स्टडी करने वाले सो एक्सक्रीशन इन एनिमल जनरली द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट और नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रेशन सो एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर आर मेनली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज ओके तो इसमें जनरली uh, पहला और तीसरा अमोनोटेलिक अमाइनोटेलिक uh, यहाँ पे चार टाइप्स दिए है बट दे मेजरली आपको तीन टाइप्स ही है टेंथ में तो चारों पढ़ लेते हैं ठीक है so, सो सबसे पहले इज अमोनोटेलिक सो द ऑर्गेनिजम्स विच एलिमिनेट या फिर द ऑर्गेनिजम्स विच यूरिनरी एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मेजरली या फिर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया दैट इज एन एच थ्री इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिक ठीक है तो जनरली इट इज सीन इन टू अमीबा लीच प्रॉन या फिर बोनी फिश क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा तो अमोनिया ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक कंडीशन uh, होता है कि दीज ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन ठीक है लाइक लोड्स ऑफ वाटर ऑफ एक्सक्रीशन ठीक है तो इतना सारा वाटर जो है वो सभी को अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि अमोनिया नीड्स टू बी डिफ्यूज इट डिरेक्टली इन टू वाटर एंड देन एलिमिनेटेड ठीक है तो इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू लैंड एनिमल्स तो इसीलिए जनरली ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद वाटर या फिर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन द वाटर दीज कम अंडर दिस काइंड ऑफ एक्सक्रीशन दैट इज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म तो इसमें कौन कौन आता है अमीबा जो पानी में रहता है लीचेज जनरली दे लिवन टू स्वाम्पेरियाज प्रॉन्स पाइला दी इज लिवन टू वाटर ठीक है या फिर बोनीफिश हो गया या फिर क्रोकोडल्स हो गए ये लोग भी पानी में रहते so, hence, हैं सोहन सिर में मेजरली एलिमिनेशन इज थ्रू अमोनिया दैट इज एन एच थ्री तो ये डायरेक्टली वाटर में डिफ्यूज हो जाता है और अमोनोटेलिक इज द वे ऑफ एक्सक्रीशन ठीक है दूसरा आता है यूरियोटेलिक यूरियोटेलिक इज द एनिमल्स इन विच एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिया ठीक है तो यूरिया के फॉर्म में जब होता है एलिमिनेशन तो इसमें जनरली अमोनाटिलिक्स से कम पानी लगता है पानी में ही डिज़ोल्व करके यूरिया बाहर फेंका जाता है सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूरिन सो हैंस जो ऑर्गेनिजम्स में वाटर अवेलेबिलिटी है बट नॉट एज मच एज वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एज नॉट एज लेस एज द डेजर्ट ऑर्गेनिज्म तो उनमें जो मिड वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनको पानी का अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा खासा है तो उनमें यूरिया जो है इट इज़ डिजोल्व इन टू वाटर एंड एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन तो उसको बोलते हैं यूरियो टेलिक ऑर्गेनिजम्स तो यूरिया टेलिक में आते हैं जनरली फ्रॉग्स मैमल्स जो सारे हैं ये आएंगे इन यूरियोटेलिक दैन नेक्स्ट इज़ यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक इज़ यूरिक एसिड का एलिमिनेशन होता है जब भी सो जनरली यूरिक एसिड में सबसे कम पानी अवेलेबल जिनमें होता है इनमें यूरिक एसिड के फॉर्म में एलिमिनेशन होता है सो यूरिक एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ pastey uh, waste material which is produced generally it is white color crystals which are eliminated and generally it is seen into cockroaches lizards snakes birds jo jinko water availability bahut kam hai jo generally reptiles ho gaye ya fir generally jo birds ho gaye inko majorly uh, dry areas में रहना पड़ता है birds are generally flying तो उनको water availability ऐसे भी कम होता है या फिर उनके body में water storage काफी कम होता है for flight proper flight uh, of the uh, birds okay और फिर जैसे कि lizards and snakes ये तो desert रहने वाले ऑर्गेनिज्म से तो उनको ऐसे भी वाटर अवेलेबिलिटी कम होता है तो उनमें जनरली एक्सक्रीटर इज एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड्स ओके और लास्ट जो है वो है अमाइनोटेलिक सो अमाइनोटेलिक इज व्हेन द ऑर्गेनिजम्स अमायनोटेलिक एसिड्स आर एक्सक्रीटेड एज वेस्ट मटेरियल एग्जांपल इज उनियो एंड स्टारफिश इनमें जनरली डायरेक्टली अमायनो एसिड्स आर एलिमिनेटेड विच आर नॉट यूजफुल सो हेंस दीज आर कॉल्ड एस अमाइनोटेलिक ठीक है सो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ

ठीक है तो प्लाज्मा लेमा, लेमा के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू जो एलिमिनेशन हो रहा है दैट इज़ एक्सक्रीशन इंटू प्रोटोजोन्स जो कि सबसे लोअर है फिर जाके जनरल बॉडी सर्फेस जिसमें एंटायर बॉडी सर्फेस में एक्सचेंज हो रहा है जनरली हमने पॉरीफेरा में पढ़ा हुआ है या फिर सिलेंड्रेटा में पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर इनटेक करता है और फिर सेल्स जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल कर देते हैं एंड देन इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ठीक है सो जनरल बॉडी सर्फेस के थ्रू एलिमिनेशन फ्लेम सेल्स या फिर सेलोनोसाइट्स uh, ये भी हमने पढ़ा हुआ almentus, तो है इन टू प्लेटी हलमेंथस तो इनमें स्पेसिफिक डेडिकेटेड सेल्स है नॉट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स सो दीज आर सेल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन टू एलिमिनेशन विच आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स या फिर रेनिट सेल्स दीज आर और कॉब सेल्स ये या फिर नेफ्रीडिया दिज आर प्रेजेंट इन टू एस्किलमिंस एंड एनिलिडा तो इनमें भी ये जनरली सेल्स है और नेफ्रीडिया जो है जनरली ये टिशू है ये प्राइमरी किडनी स्ट्रक्चर है जनरली हम इसको बोलते हैं सो फ्रॉम दिस एलिमिनेशन स्टार्टेड देन केबर्स ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन्स ऑफ बोजांस दीज आर प्रजेंटेड टू मोलिस्का एंड मेलफिगियन ट्यूब्यूल दीज आर सीन इन टू ऑर्थरोपोडा ठीक है तो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल भी बेसिक किडनी स्ट्रक्चर जो उसमें मेलफिगियन बॉडीज होती है तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर इज मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स विच वॉज फर्स्ट सीन इन टू ऑर्थरोपोडा देन कॉक्सल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था इन डाइवर्सिटी दैट इज दीज प्रेजेंट इन टू स्पाइडर एंड अदर ऑर्थरपोडन्स तो इनमें थ्रू ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीशन होता है ठीक है देन नेक्स्ट इज एनसैक जनरली क्रस्टेशियंस में एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन लैंड्स एंड एनसैक प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन ग्लैंड के जैसा ही ऑर्गन है जिनके थ्रू एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन होता है and then is uh, Chlorogogen glands, effer cells, which are present into earthworms, amoebocytes which are present into echinodermata, kidneys are present into vertebrates, and glomerulus is present into hemichordata. so, are basic generally excretory tissues, cells, or organs which are present into ehephro organ system, which is present into different organisms uh, in our diversity world. okay? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट फ्रॉम वन सिंगल सेल जाके फिर जाके डेडिकेटेड या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली राइट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन से लेके फिर सेल बन गए फिर सेल से टिश्यूज़ आ गए टिश्यूज़ से नेफ्रीडियाज आ गए नेफरीडिया से मेलफिगन बॉडीज़ उसके बाद में किडनीज ऐसे करके एक एक करके ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते गए फॉर एक्सक्रेशन ओके सो दिस इज हियर वी कैन सी द इवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रेटरी ग्लैंड इन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ओके तो ये कंपेरेटिव एनालिसिस है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स

सो आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर है अगर आपको कुछ डाउट होगा देन यू कैन मैसेज मी एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स और एनी थिंग यू कैन जस्ट आस्क एंड क्लियर दैम राइट अवे ओके सो एल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय टेक केयर